हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कूलाम्स लॉ के बारे में। कूलाम्स लॉ था क्या? कूलाम्स लॉ था कि अगर आपके पास दो पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे किसी फोर्स से। जो वो फोर्स होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। ठीक है, तो ये हमने कूलाम्स लॉ पढ़ा था। अब आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में पढ़ने के लिए पहले हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए यूनिट वेक्टर का। ठीक है, तो देखते हैं, पहले यूनिट वेक्टर देखते हैं। यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये किसी वेक्टर का डायरेक्शन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक वेक्टर है ए, इसका यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है ए कैप से। यूनिट वेक्टर होता क्या है? यूनिट वेक्टर होता है जब हम किसी वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। आपने सुना होगा वेक्टर के पास क्या होता है, वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक डायरेक्शन होता है और एक मैग्नीट्यूड होता है। अगर मैं इस क्वांटिटी को उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास फैक्टर ए कैसा रहेगा? आपके पास फैक्टर ए मिलेगा मॉड ऑफ फैक्टर ए इंटू ए कैप। ये शो करता है मैग्नीट्यूड, ये शो करता है डायरेक्शन। तो वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर कोई वेक्टर होता है, एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी वेक्टर का डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, आपने सुना होगा 11th क्लास में आई कैप के बारे में, जे कैप के बारे में, के कैप के बारे में। आई कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन शो करता है एक्स एक्सेस का, पॉजिटिव एक्स एक्सेस का। जे कैप क्या है? जे कैप यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन शो करता है पॉजिटिव वाई एक्सेस का। और के कैप क्या है? के कैप है यूनिट वेक्टर विच शोज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सेस। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा ब्रीफ ब्रीफ यूनिट वेक्टर। अब देखते हैं कूलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सपोज आपके पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और Q2 है। अभी हम मान लेते हैं कि दोनों का नेचर कैसा है, सेम है। ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा कुछ इस डायरेक्शन में। एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों के नेचर हमने क्या लिया है, अभी सेम लिया है। लेकिन हमें पता है कि फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो वेक्टर के फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेम। क्या ये दोनों फोर्सेस सेम है? दोनों फोर्सेस सेम नहीं है, इनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है। वो कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R2। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो ये दोनों के दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? अलग। तो थोड़ा और अच्छे से इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इसको लिखता हूं 2 1, इसको V2। इसका मतलब होता है फोर्स ऑन चार्ज 1 बाई चार्ज 2। इसका मतलब होता है फोर्स ऑन चार्ज 2 बाई चार्ज 1। ये दोनों फोर्सेस हैं, अभी इनकी वैल्यू लिखनी है। तो इसकी वैल्यू होती कितनी है? इसकी वैल्यू होती है F12 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R2। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, साथ में हमें लिखना है इसके साथ यूनिट वेक्टर। तो हम यूनिट वेक्टर लिखेंगे R cap 1 2। R cap 1 2 का मतलब होता है पोजीशन ऑफ
वन विद रिस्पेक्ट टू टू, तो आपका फोर्स वन टू कैसा हो जाएगा, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर वन टू, ठीक है। अच्छा, हमने पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर को लिखा कैसे जाता है, यूनिट वेक्टर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉड। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर वन टू, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है वेक्टर। दूसरे फोर्स को कैसे लिखा जा सकता है, दूसरे फोर्स को कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, इसके साथ हम यूनिट वेक्टर लिखेंगे टू वन। इसका मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ चार्ज, पोजीशन ऑफ चार्ज टू विद रिस्पेक्ट टू चार्ज वन, ठीक है। हमने यूनिट वेक्टर को पढ़ा था क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉड। तो ये वाला वेक्टर ऐसे भी लिखा जा सकता है, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू आर टू वन वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यू, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अभी हमने देखा कि एफ वन टू को कैसे लिखेंगे, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर आर कैप वन टू, इसको मैं इक्वेशन वन लिख देता हूँ। टू वन को कैसे लिख सकते हैं, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर टू वन, इसको हम लिख देते हैं सेकंड इक्वेशन। अभी अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, तो क्या मिलता है, हमें मिलेगा कुछ सा वन टू प्लस एफ टू वन इज इक्वल्स टू, जितना भी कॉमन पार्ट था उसको बाहर ले लेता हूँ, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, अंदर बचता है दस प्लस दस। हमें पता है ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, यूनिट वेक्टर, और दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। तो जब भी कभी, और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। तो जब कभी भी हम दो सेम वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड में सेम वेक्टर्स और अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर्स को ऐड करते हैं, तो उनका रिजल्टेंट होता है जीरो। जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं इससे और हमारा ये पूरा टर्म हो जाता है जीरो। इसको हम उधर शिफ्ट करते हैं तो माइनस एफ टू वन, ये हो जाता। ये इक्वेशन न्यूटन के थर्ड लॉ को भी जस्टिफाई करती है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर एक चार्ज, ये दूसरा चार्ज, ये दोनों सेम नेचर के हैं, तो ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और दोनों के दोनों की वैल्यू कितनी होती है, दोनों मैग्नीट्यूड में कितना है, सेम है, और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।